अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कुरतलैन और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एक्सपो, जो कि पाकिस्तान का नंबर वन प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल है, जिसमें हम आपके लेकर आते हैं पाकिस्तान भर से प्रॉपर्टी की न्यूज़ अपडेट्स, प्रोजेक्ट रिव्यूज़ एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जी व्यूअर्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन थोड़ी सी बीमार हूँ, वैसे ओवरऑल ठीक हूँ। सो व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल पर अगर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन से भी आगाह किया करें, और कोई रिक्वेस्ट है आपकी अगर किसी सोसाइटी के बारे में, किसी प्रोजेक्ट के बारे में, किसी भी सोसाइटी के ब्लॉग्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें अपनी रिक्वेस्ट हमें सेंड कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसको फुलफ़िल करेंगे। आज हम आए हुए जी गुलबर्ग ग्रीन में। गुलबर्ग ग्रीन का जो रेजिडेंशियल है, उसमें जो पी ब्लॉक है, आज हम उसका रिव्यू करेंगे। काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, और इस टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से लोग पूछना चाह रहे हैं कि गुलबर्ग में प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो रही हैं और लोग इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं, तो कौन से ब्लॉक में करें और पी ब्लॉक कैसा है और वहाँ पर क्या प्रोग्रेस हो रही है, तो आज चलते हैं और जाकर देखते हैं। फिर इसकी प्राइसेस भी मैं आपको बताती हूँ, और इसकी डेवलपमेंट भी, और क्या स्टेटस है और क्या बेनिफिट होने वाले हैं, या किस तरह से देखा जाएगा इसको, पी ब्लॉक को, तो ओवरऑल जाके हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और राइनो में गुलबर्ग रेजिडेंशिया के डी मरकज़ में मौजूद हूँ, और बिकॉज इसका डिटेल रिव्यू हमने किया हुआ है। अगर आप डिटेल सोसाइटी के बारे में ओवरऑल जानना चाहते हैं, तो आप हमारी अदर वीडियोज़ देख सकते हैं गुलबर्ग के बारे में, लेकिन आज हम पी ब्लॉक को विज़िट करने जा रहे हैं। तो ये अभी मैं आपको इसकी एक्सेसिबिलिटी वगैरह और रोड दिखाती जाऊँगी, लेकिन मैं ये बताती जाऊँ कि आज मैं मेहरान में हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी हुंडा का एसी ख़राब था, तो इसमें एसी अच्छा चल रहा है आज, तो मैं इसको ले आई हूँ। तो आपने बार बार ये कमेंट्स में ये बातें नहीं करनी कि गाड़ी कहाँ गई। ये जी डी मरकज़ है, बहुत खूबसूरत, यहाँ पे प्रॉपर ये कमर्शियल वगैरह है और ब्लॉक्स हैं स्टार्टिंग के इसके, देखा जाए ई ब्लॉक, सी ब्लॉक, जे आई, एच ब्लॉक, जी ब्लॉक, और ये ब्लॉक तो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि बिल्कुल रेजिडेंशियल के स्टार्ट में है, एफ ब्लॉक वगैरह, तो यहाँ पे घर बनाना तो बहुत अमेजिंग, मतलब ज़्यादा दूर नहीं पड़ता एक्सप्रेसवे से, क्योंकि गुलबर्ग रेजिडेंशियल में बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि हम काफ़ी दूर पड़ता है, तो यहाँ पे मैं आपको बताया चलूँ इतना दूर नहीं है, वो डेली आप आएँ, वो जो इतनी दूर दूर की सोसाइटियों से, ये बेहतर है कि आप 4-5 किलोमीटर ट्रैवल करके आ जाएँ। तो 7 किलोमीटर है इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से मेन से, जो कि रेजिडेंशियल का मेन एंट्रेंस, मतलब ए ब्लॉक तक। आगे डेफिनेटली जब इसका सर्कुलर रोड बन रहा है, तो वहाँ से आप, ये ओपीएफ है जी, और आगे ही गुलबर्ग से आगे ओपीएफ सोसाइटी आती है, तो यहाँ से अभी इसका सर्कुलर रोड बनना है, तो यहाँ से मैं लेफ़्ट हुई हूँ जी डी मरकज़ से आगे आके, अभी इसका अपना सर्कुलर रोड बनना है, तो मैं मरकज़ से लेफ़्ट हो गई थी। आपको मैं जितना भी रोड वो समझाऊँ तो समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको जो दिखाना है, हमने पी ब्लॉक को देखना है, तो ये अभी सर्कुलर रोड इसका बनना है, लेकिन ये अभी जो गांव का रोड है, जो एक वही यूज़ हो रहा है, तो ये लेफ़्ट राइट पे ये पी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, ये पी की कनाल की कटिंग है स्टार्ट में, और ये खेत जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये पी ब्लॉक है। एक जो सबसे मेन बात है, जो कि गुलबर्ग रेजिडेंशिया पी ब्लॉक की, काफ़ी लोग कहते हैं कि ये पी बहुत दूर है और इसलिए भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते, तो आज मैं आपको बता दूं कि जो गुलबर्ग का रेड ब्रिज है, कायदे आज़म ब्रिज, वहाँ से लेके जो पी ब्लॉक तक का जो डिस्टेंस है, मैंने मेयर किया है, हुंडा नहीं थी वरना सही एग्जैक्टली आपको दिखा देती, लेकिन यहाँ तक जो इसका डिस्टेंस बनता है स्टार्ट तक, वो 8 किलोमीटर बनता है, तो मेरे ख्याल से इतने दूर नहीं है पी ब्लॉक। अगर आप अच्छी सोसाइटी और इस्लामाबाद में रहना चाहते हैं और थोड़ा रीज़नेबल भी चाहते हैं, और ये तो मेरे हाथ से बेस्ट है कि अगर आप इस जगह पे आके इतने डिस्टेंस पे आप लें, तो इतना ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग यही कह रहे होते हैं कि 25-30 किलोमीटर दूर है, तो इतने नहीं है, वो फील होता है फर्स्ट टाइम आप आते हैं तो ऐसे ही लगता है कि काफ़ी ट्रैवल कर लिया, लेकिन एक दो दफ़ा आएँ तो आपको पता चलेगा कि इतना डिस्टेंस नहीं है। ये देखें जी, ये पी ब्लॉक है, P1 P2 है सामने, यहाँ पर घर बन रहे हैं, पोजिशन भी है कुछ प्लॉट्स की, और कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, ये नहीं कि कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ही नहीं हो रही, जिनको पोजीशन मिली है वो घर भी बन रहे हैं, और काफ़ी सारे प्लॉट्स हैं जो पोजीशन वाले भी हैं, कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से किए हुए, कुछ ओवरसीज़ हैं जो कि अभी आ नहीं सकते, यहाँ बना नहीं रहे, तो इस तरह की सिचुएशन होती है, इसलिए भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से ज़्यादा गुलबर्ग में गेम चल रही होती है। अब एंड यूज़र, अब घर बनाने वाले लोग अब आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन स्टार्टिंग के ब्लॉक इसके काफ़ी डेवलप है। लेकिन पी की बात की जाए, तो ये आप देख सकते हैं, ये कनाल की कटिंग है, ये सामने एक घर बन रहा है, एक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है, ग्रे स्ट्रक्चर उसका तकरीबन हो गया हुआ है, ये सामने तकरीबन 90% 80% वो घर भी रेडी है, और भी 2-4 बने हुए हैं, तो काम यहाँ पर स्टार्ट है जी, और कटिंग वगैरह आगे भी अब चल रही है। तो मैं आगे अब P1 P2 आपको थोड़ा सा दिखा दिए, ड्रोन थोड़ी मस्ती कर रहा है, लेकिन जो शॉर्ट्स आ जाते हैं वो दिखा दूंगी, बाकी अब P3 और P4 में चलते हैं।
सो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं ये जो रोड आ रहा है, ये सर्कुलर, ये जो गांव का रोड है, मैंने पहले भी बताया है, अभी इसका जो सर्कुलर रोड निकलेगा तो प्रॉपर जो इसका डिस्टेंस है जो रेजिडेंशियल का, आपको सबको ब्लॉक्स में आपको जाने से लगता है कि बहुत दूर दूर हैं ब्लॉक्स, तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगा, आप विद इन अ मिनट्स में आप किसी भी ब्लॉक में एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसकी पी की रोड्स भी कुछ बनी हुई है स्टार्टिंग के, जो AP 1 P 2 में, और ये जो प्रॉपर ग्रीनरी यहाँ पे ट्रीज भी मेंटेन कर दिए हुए, सीवरेज सिस्टम यहाँ पे ये आपके सामने है जो कि इन्होंने लगाया हुआ है, लाइट्स वगैरह का भी, बिजली भी यहाँ पे पहुँची हुई है। तो ये उम्मीद है कि अब इसको जल्द जल्द इसको डेवलप करेंगे। तो ये बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है जो कहते हैं कि आप मतलब सिर्फ उन सोसाइटी की तारीफ़ करती हैं या इनकी करती हैं, ऐसा नहीं है। जो चीज़ अच्छी होती है, जो रियलिटी होती है, मैं उसको दिखाती हूँ, आप खुद देख सकते हैं, आकर आप उस पर भी ट्रस्ट ना करें, आप आके कंफर्म करें। तमाम जो कि अदर यूट्यूबर्स हैं जो कि ख़ास तौर पर डीलर हजरात हैं, उनके भी व्लॉग्स देखें तो आपको खुद ही कंपेरिजन पता चल जाएगा। विज़िट करें हमारे और कंपटीटर्स जो हैं उनकी वीडियोस देखें। मैं कंपटीटर तो नहीं कहूँगी, बेसिकली मेरा जो चैनल है वो एक अनबायज और सबसे डिफरेंट है, बिकॉज मैं कोई एजेंट वगैरह नहीं हूँ, तो ऐसा मेरे हाथ से अभी तक मैंने कोई यूट्यूब चैनल नहीं देखा। अगर आपने देखा तो आप मुझे बता सकते हैं। तो थोड़ा सा खुद भी वर्किंग किया करें, किसी पर ट्रस्ट ना करें। सो व्यूअर्स, ये मैं पी में एंटर हो रही हूँ, और क्योंकि स्टार्टिंग के मैंने आपको फ्रंट दिखाया, वहाँ पर कुछ 12 प्लॉट्स हैं। बेसिकली पी के 4 पार्ट्स हैं, P1, P2, P3 और P4, तो काफ़ी बड़ा ब्लॉक है ये। और सारे लोग ये कहते हैं, वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि इनके पास बिल्कुल लैंड नहीं है पी में, ये है वो, लैंड है लेकिन डेफिनेटली कुछ लैंड इन्होंने बाई की हुई है, कुछ लैंड जो है इन्होंने क्लियर नहीं है, जो कि विलेज वालों से मैंने लास्ट एक वीडियो भी बनाई थी, कुछ लोगों से इन्होंने क्लियर करनी है लैंड को, तो वो मसलन सारे, अदरवाइज़ ये काम चल रहा है, कटिंग, ये रोड वगैरह कटिंग हुई हुई है, ये बाउंड्री लगी हुई है, तो गुलमर्ग की ये हदूद है, इसके अंदर अंदर ये पी ब्लॉक है, तो इसका मतलब डेफ़िनेटली लैंड, तो ये देखिए पीछे सारी इन्होंने एक्वायर करनी है, अभी और भी करनी है, काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये है नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, है ये आप देख सकते हैं, ओवरऑल आपको ये सारा नज़र आ रहा होगा। काफ़ी सारे कुछ प्लॉट्स की कनाल की स्टार्टिंग के 50-60 प्लॉट्स हैं उनकी, P1 में, P2 में वो पोजिशन है, और 10 मल्ला की भी कुछ की पोजिशन है P1 और P2 में। तो बाकी ये कि P3, P4 का काम चल रहा है लैंड क्लियरेंस का, तो डेफ़िनेटली हो जाएगा, इसीलिए तो काफ़ी प्राइसेस भी कम है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जी व्यूअर्स, अब मैं आ चुकी हूँ गुलबर्ग रेजिडेंशिया के पी ब्लॉक के मिड में, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी सारा लैंड क्लियर है ये सारा, और इस पर काम हो रहा है, कुछ खेत हैं, कुछ डेफिनेटली घर भी हैं गाँव के जिनको क्लियर करना है, लेकिन ओवरऑल जो लोग वो कर तनकीद कर रहे होते हैं ना कि सारा ही वो ब्लॉक है, मैंने खुद वीडियो बनाई थी, लेकिन ये नहीं है कि मैंने सबने वो कहा था कि आपने गलत किया है, ये किया वो किया, देखें प्रॉब्लम है, मैंने कहा था हर जगह है, अभी भी कह रही हूँ कि पी में है, लेकिन यानी कि ओवरऑल नहीं है, या आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही ना करें, ऐसा नहीं है। या अब लोग ने ये कहना है, मैडम आज तारीफ़ें करी, या तो मैडम इसके एजेंट है, या तो फिर मैडम को डर गई हैं, या कुछ इस तरह की बात करनी है, तो ऐसा नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अच्छी चीज़ अच्छे सच बोलना चाहिए, और जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो अपने व्यूवर्स के तक पहुँचानी चाहिए। तो आज वीडियो यहाँ पे बनाने के लिए आए हैं हुए हैं जीपी में, तो ये पीछे आप देख सकते हैं फिर से माउंटेन्स के साथ मस्ती की जा रही है, वो कटिंग की जा रही है, लेकिन एक और बार जहाँ आके पता चली, आज पहले तो पी में एंटर नहीं हो सकते थे आप, क्योंकि कटिंग नहीं हुई थी, तो आज मैं पी के दरमियान में आई हूँ पहली बार। सो ये कि इसका जो व्यू है माउंटेन्स का मिल रहा है पी ब्लॉक का, ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और पी की थोड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं डिस्कस कर रही थी, तो ओवरऑल आपको शायद सही तरह समझ नहीं आई, दोबारा से उसको एक्सप्लेन करूँगी। लोग पी इधर गुलबर्ग में इन्वेस्टमेंट करना भी चाह रहे हैं, पी ब्लॉक में थोड़े रीजनेबल प्राइसेस हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं डिस्टेंस बहुत दूर है, ऐसे फील होता है, तो ऐसा नहीं है। मैं आज आपको इसका एक्जैक्टली डिस्टेंस बता देती हूँ, काफ़ी डीलर हजरात सस्ती फाइल्स सेल करने के चक्कर में और काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन करने के चक्कर में आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट से डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बताऊँ, अगर आप मेयर करते हैं 0 पॉइंट इस्लामाबाद से जो गुलबर्ग का रेजिडेंशियल का पी ब्लॉक है यहाँ तक का, तो ये तकरीबन 22 किलोमीटर बनता है, और अगर आप रेड ब्रिज कायद आजम ब्रिज से जो कि गुलबर्ग के अंदर अभी आप एंटर ही होते हैं, वहाँ से यहाँ तक आते हैं पी तक, तो तकरीबन 8-8.5 किलोमीटर बनता है। तो ये मैं मेक श्योर करूँ कि इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। और बाकी जो अगर आप रेजिडेंशियल के स्टार्टिंग में डी मरकज़ में आते हैं, तो ए ब्लॉक से यहाँ का जो डिस्टेंस है पी का वो तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर बनता है। तो ये एग्जैक्टली मेजरमेंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, तकरीबन तो इतना ज़्यादा दूर नहीं है, और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी देखा जाए तो प्राइसेस पे, और प्राइसेस इसलिए बताना चाह रही हूँ कि थोड़ा सा कंपेयर कर लेंगे कि गुलबर्ग में पी में अगर काम की प्रोग्रेस नहीं चल रही, तो क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो क्या उसके रिटर्न्स भी आ रहे हैं या क्या है, तो ये प्राइसेस डिस्कस करने के बाद आपको सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। तो गुलबर्ग में जो यहाँ पे
साइजेस हैं, 7 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 12 मरला के भी कुछ प्लॉट्स हैं और 2 कनाल के, तो ये तमाम साइजेस पी ब्लॉक में मौजूद हैं। सो जो कि यहाँ पे 7 मरला की प्राइस है इस टाइम, आज के दिन जो 2021 में अप्रैल की, ये 37 लाख से लेके 85 लाख तक है, जिसमें नॉन डेवलप और डेवलप तक पहुँच रही हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर आप बात करें 10 मरला की, तो 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक। इसी तरह अगर आप बात करें तो यहाँ पे जो 1 कनाल की प्राइस है वो 80 लाख से 1 करोड़ 80 तक पहुँच गई है, जो कि डेवलप भी हैं इसमें कुछ। 2 कनाल की प्राइस जो स्टार्टिंग है वो 1 करोड़ 40 लाख से लेके ये 160 तक है। और जो 12 मरला की प्राइस है वो 55 से 65 तक, क्योंकि 12 मरला ओवरऑल सारे ही नॉन डेवलप हैं। सो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो प्राइसेस भी अभी भी काफ़ी हाई लग रही हैं मुझे, लेकिन P3 में कुछ 37 तकरीबन स्टार्ट है, तो P4 में आपको थोड़े रिजनेबल मिल जाता है। तो गुलबर्ग में 7 मरला 30 मेरे हाथ से 37-40 लाख रुपए में मिलना, ये बड़ी गनीमत है इस टाइम, तो इसको मेरे हाथ से अवेल करना चाहिए। बताने का जो मकसद था, वैसे मैं आपको कहती हूँ कि प्राइसेस से मेरा कोई कंसर्न नहीं है, मैंने कौन सी सेल परचेज़ करनी होती है, लेकिन थोड़ा सा कंपेयर ये करना था कि अगर देखा जाए ओवरऑल इस बात से, वाकई मैं पहले भी गुस्सा हुई थी और अभी भी कहूँगी कि पोजेशन देनी चाहिए, जिन लोगों ने इतने टाइम से इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं उनको देखना चाहिए। और अब तो कुछ लग रहा भी है कि कुछ काम शाम स्टार्ट हुए और मज़ीद आगे होगा इंशाल्लाह, उम्मीद है। और इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे कि गुलबर्ग के किसी सीनियर का हम इंटरव्यू करें और उसमें आपको मज़ीद क्लियरेंस करें, तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनसे टेबल टॉक करें और आप लोगों तक पहुंचाएं। लेकिन आज का देखूं अगर ओवरऑल, तो अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से देखूं तो साल के अंदर तकरीबन हर एक प्लॉट में, छोटे प्लॉट P4 की बात की जाए तो वहाँ पे भी 10-1 लाख का एक साल के अंदर यहाँ पे गेन आया है। तो ऐसा देखा जाए 20-20 लाख रुपये का कनाल, जितना बड़ा प्लॉट जाता रहता है उतने इतनी बड़ी अमाउंट में रिटर्न्स आ रहे हैं, चाहे काम हो रहा है या नहीं हो रहा। पी बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है, वो पीछे जानवर बेशक यहाँ पे घास चर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्राइसेस का इंक्रीज़ आ रहा है, क्योंकि सारी बातें इधर उधर आप डीलर से भी सुनते होंगे। लेकिन एंड करते हैं कि आपने यहाँ पे बाय करें या ना करें, और क्या आपका टर्म्स होनी चाहिए यहाँ पे बाय करने के, क्या आपका एम्स ऑब्जेक्टिव होने चाहिए यहाँ पे। अगर आप एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ बाय करना चाहते हैं तो आप लाजमी बाय करें ये पी ब्लॉक, बहुत अच्छा एक सुकून वाला, यहाँ पे इतना कमर्शियल वगैरह वाला वो ट्रैफिक नहीं होगा। सेकेंडली भाई साहब काफ़ी सारे मैसेज कुछ कर रहे थे कि यहाँ पे गुलबर्ग ग्रीन थीम है, इसका ग्रीनरी नहीं है, ये माउंटेन्स नहीं है, ये सामने आपको नज़र आ रहा है कि पी का एक और फ़ायदा है कि जिसको मसला है ग्रीनरी और माउंटेन्स देखने, तो वो यहाँ पी ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करे और ये सारी खूबसूरती आपको पीछे नज़र आ रही है। बातें करने की क्या ज़रूरत है, देख लें आप खुद। तो मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ पी ब्लॉक गुलबर्ग का, कि आप जाके 20-20, 30-30, 40-40 लाख रुपए के वो चक्री रोड पे दूर दूर की सोसाइटीज़ में जाके फाइलें लेते हैं और फिर 10-10, 15-15 साल वेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको 4 साल भी 5 साल भी मैं कहती हूँ वेट करना पड़े, और इतनी लो प्राइस पे भी गुलबर्ग ये सीडीए सेक्टर में अगर आपको प्लॉट मिल रहा है, और कल के आप इसके रिटर्न्स देखें डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहे हैं। एक होता है ना कि 6 माह साल बाद, यहाँ पे डे बाई डे प्राइसेज मैंने देखी हैं कि इंक्रीज़ हो रही होती हैं। आप कल पूछें इस ब्लॉक की क्या प्राइसेज थी, यहाँ पे जितने डेवलप ब्लॉक हैं उनसे आप अगर कंपेरिजन करें तो यहाँ पे नॉन डेवलप आपको जो पोजीशन वाला स्टार्टिंग के ब्लॉक में यहाँ पे करोड़ से भी अबव मिलता है। तो 7 मरला आपको पता है आजकल करोड़ों रुपए में मिल रहे हैं, तो देखें आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पी ब्लॉक की जो प्राइसेज हैं, जैसे ये डेवलप होना है, जैसे पोजीशन मिलनी है, तो यहाँ तो एक प्लॉट नहीं मिलना, और सेकेंडली यहाँ की भी प्राइसेज कहाँ पीक पे चली जानी, और फिर OPF वैली यहाँ पे जब डेवलप होना है तो डेफिनेटली इस ब्लॉक को बहुत फ़ायदा होने वाला है। यहाँ से आप अगर रेजिडेंशियल में डेली जाके आप यहाँ पे, आपने दूर नहीं जाना चाहते, आप कुछ सर्विसेज के लिए आप कहते हैं कि दूर पड़ जाते हैं, तो ये सामने OPF वैली है, इसके कमर्शियल को यूज़ करें। यहाँ आप दोनों सोसाइटियों के दरमियान में आ जाते हैं तो आपको दोनों सोसाइटियों के फैसिलिटी, स्कूल्स वगैरह जो भी उसमें फैसिलिटीज़ हैं, या गुलबर्ग की, दोनों की अवेल कर सकते हैं। तो ये भी मिड में आता है, बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है पी ब्लॉक। तो एक और चीज़ कंफर्म कर दूं, अगर आपको लोग कहते हैं कि सर 6 माह बाद, साल बाद या कोई भी आपको पोजीशन मिल जाएगी, तो ये मिसगाइड करते हैं, टाइम पीरियड लगेगा। देखें अभी लोग विलेज वाले, ये सामने घर हैं, ड्रोन शॉट्स पे आपको दिखाती हूँ, यहाँ से घर, इनसे कोई डील शील होगी, ये जाएंगे, फिर ज़मीन लैंड क्लियर होगी, गलियाँ रोड बनेंगे, यहाँ पे कोई फैसिलिटी आएगी, फिर आप घर बना सकते हैं। तो पाकिस्तान में 6 महीने के अंदर इतना ज़्यादा P4 P2 में, P3 और P4 में इतना काम नहीं हो सकता, मुझे ये पक्का पता है। इतना तो मैं बगैर, वो कहते हैं ना बिल्डर्स के ही बता सकती हूँ कि मैं कंस्ट्रक्शन का बिजनेस जानती हूँ नहीं जानती, लेकिन मैं वैसे अंदाजे से ही बता सकती हूँ। तो थोड़ी लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है,
अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये माइंड में रखें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर घर बनाने के पर्पज़ से आप फोरी अगर ले रहे हैं तो इसके जो आप पहले चेक करें कि रेडी टू कंस्ट्रक्शन प्लॉट पोजेशन जाके आप सोसाइटी ऑफिस से बेशक क्लियर कर लें। ये डीलर शीलर से बचें, वो तो आपको घुमाते होते हैं अपने कमीशन के लिए और बाद में कहते हैं सर ओ हो हमें तो पता नहीं था ये सोसाइटी का मसला है। तो आप खुद थोड़ा सा वर्किंग कर लिया करें, आपको हमेशा कहते हैं थोड़ी तेज़ी दिखाया करें, पैसे आप अपनी जेब से दे रहे होते हैं, हकलाल की कमाई होती है तो वो बहुत मेहनत करते हैं। मैंने देखा काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा तेज़ भी हैं लेकिन फिर भी मार खा जाते हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से वर्किंग कर लिया करें। मैंने कोशिश की थी कि मैं पी ब्लॉग की दास्तान आप लोगों से अच्छे से बयान कर सकूं, लेकिन थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है और पता नहीं कैसे बनी, गर्मी बहुत है, रमज़ान भी है और आजकल आपको पता है रोज़ा रख कर और फिर ऊपर से गर्मी में काम करना बड़ा मुश्किल होता है। धूप आज बहुत तेज़ है, 2 दिन से मौसम ज़्यादा यहाँ पर इस्लामाबाद में गर्म हुआ है। तो यहाँ पर आज आपको तमाम जो भी मेरे पास डिटेल थी, जो भी मैं जितना कर सकती थी आपको दिखा दिया, ड्रोन शॉट्स भी आप देख लीजिएगा ताकि आपको ओवरऑल क्लियर हो जाए। तो होपफुली उम्मीद है, रिक्वेस्ट करेंगे सोसाइटी से अगेन कि इसको डेवलप करें और लोगों को दें और डीलर हजार से बचा करें, थोड़ी सा देख सुन के इन्वेस्टमेंट किया करें और अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ी पूरी वीडियो देख लिया करें ताकि आपको ओवरऑल बात समझ आ जाए कॉमेंट करने से पहले। तो ये डीलर हजार जो कि बैड कॉमेंट्स करते हैं वो पहले पूरी वीडियो देखें फिर समझाएँ। और इसी के साथ कुरुतुल को दें इजाज़त, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे फेसबुक ग्रुप को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन से हमें ज़रूर आगाह किया करें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना सब ख्याल रखिएगा, कुरुतुल को दुआओं में याद रखिएगा।